रहीम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी प्यारी वाईटी फैमिली में उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल व करम से आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमाए और हमें हमेशा अपने बच्चों पर सलामती दे और अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मेरा चैनल है मांझे इरफान मौला, इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुँच सके। तो आज की वीडियो मेरी कुछ इस तरह से है कि प्यारे व्यूअर्स, मैंने पकाया, मैंने बनाई हुई है घर में मूंग और मसूर की दाल और साथ वाइट चावल। तो बेटी, तो मेरी बेटी जो आई है ने कहा कि मामा जी क्या बनाया हुआ है आज खाने में, तो मैंने बताया कि मूंग और मसूर की दाल और वाइट राइस बनाया हुआ है। तो कहती है मैंने अभी कल खाया, मैंने नहीं ये खाने। तो मैंने कहा फिर और क्या खाना, मैंने नहीं ये खानी दाल और ये चावल, मैं अभी कल मैंने खाया। तो मैंने कहा क्या हो सकता है। फिर खैर करते करते सोचते सोचते उसने कहा कि आज मैं मंगवाती हूँ, आज मैं मंगवाती हूँ कुक एंड बोल से मैं, क्योंकि मेरी तो दाल चावल हाजिर है। हाँ जी, तो ये देखें जी, कुक एंड बोल का खाना आया है। खाना क्या है? बस फास्ट फूड है खाने है, वो तो मेरी पसंद की है और मैंने स्पेशली आज बनाया। हाँ जी, तो ये अब हम जरा टेस्ट करेंगे। इससे ज्यादा सबसे ज्यादा जो खुशी होती है ना, जब मैं शॉपिंग बैग की, तो चलें जी, ये बैग की ज्यादा खुशी होती है माँ जी को। तो ये देखें जी, अब हमने मंगवाया है कुक एंड पुल और देखते हैं इसमें हमने मंगवाया है, ऑर्डर किया था स्टफ चिकन। स्टफ चिकन जो है, तो ये इसकी सॉस है। तो आज का हमारा ये खाना होगा काफी दिन बाद। मामा हम काफी सदियों बाद ये खा रहे हैं। अगर वो सिस्टर ना आती तो मैंने कब और भी कब कुछ मंगवाया जी। ये जी, इसको स्टफ चिकन कहते हैं और इसमें मामा डालती है। तो ये देखें जी, वाह, देखते हैं क्या निकलता है स्टफ चिकन में। ये है जी स्टफ चिकन विद फ्राइज, ये इसको कहते हैं जी स्टफ चिकन। और इसके अंदर होती है, ये देखें जी, चीज, ये चीज होती है। और अभी हम देखेंगे, तो ये देखें जी, ये दूसरा है। हमने दो बस ऑर्डर किए थे, हमने कहा अफ्तारी के बाद रोज़ा खोल के इतनी इतनी गुंजाइश नहीं होती है, बिल्कुल, लेकिन हम फिर भी इसको टेस्ट करेंगे। ये हमने एज अ टेस्ट के तौर पे मूंग ऑर्डर किया है। फ्राइज तो बहुत हो गए हमारे, आखिरी रोजों में सारे रोजों में चलेंगे। मम्मा ये करें, ये स्टफ चिकन, ये जो खाएगा ना, ये देखें जी, ये चीज है और देखें उसके साथ पूरी स्टिकी हो गई है। वाह, उसको बैड कौन लगे। हाँ जी, इस तरह का ले। तो इसको कहते हैं जी स्टफ चिकन कुक एंड बुल का। तो जिन्होंने खाना है वो कुक एंड बुल पे जाएं और ये ऑर्डर करें, और बहुत जबरदस्त है। तो मामा अब आप हमें सर्व करेंगी। हाँ चले, मुझे वो चलें जी, ये है जी स्टफ चिकन। और देखें इसके अंदर चीजी चीजी जो है, ये बहुत टेस्टी होता है और ये बड़ा यमी होता है। सर्व और माँ जी बनाने लगी हैं। ये देखें जी इसके अंदर से क्या निकलता है, हम देखते हैं। वाओ, चीज है ना, डक तो नहीं है। ये देखें जी, माय गॉड, ये है जी चिकन और बड़ा यमी है और बहुत मजे का है। चले जी, और ये माँ जी हमें सर्व करी। मामा इस प्लेट, चले जी, ये सिस्टर को ये दें। सिस्टर ऐसे फ्राइज डाल दें, नहीं फ्राइज थोड़े से डाल दें, थोड़े से डाल दें। तो चले जी, अब हम खाएंगे और बहुत ही मैं साथ साथ आपके साथ शेयर करती हूँ। मुझे बहुत तो खाना भी दाल चावल ही खा रहे। हाँ जी, ये देखिए इसके अंदर से जो कटिंग होती है ना, वाह, चलो भाई, इसको जी स्टफ चिकन कहलाता है ये। तो ये जी मेरा ये मेरा मामा ने सर्व कर बना दिया है। लुक लाइक अ प्लेटर, ए लुक, खा लो ना, ए लुक, खा लो ना, स्टफ चिकन कुक एंड बुल का स्टफ चिकन, वाह। तो आए आप भी खाएं और इंजॉय करें। वाह जो कहते हैं कटिंग करने लगे। इसके अंदर ये चीज है और बहुत ही मजे की है। ये देखें जी, ये वाह, ये देखें,
ये चीज इज नॉट गुड। ये देखें जी, ये चीज है और मैं कटिंग कर रही हूँ और बहुत ही यम्मी है। देखें जी, ये है जी स्टफ चिकन। तो चलें जी, अब हम खा लें और साथ साथ खा रहे हैं और साथ साथ फ्राइज, साथ साथ मैं फ्राइज खाऊंगी। हेलो खा लो ना, हमने रखी है लेकिन पियेंगे नहीं। ये इसकी खूबसूरती के लिए रखी है। कोक क्वालिटी है, मैं बेटी के कहने पे पहली फर्स्ट टाइम मैं खा रही हूँ। हाँ जी, बस सही है। नहीं नहीं बस नहीं, नहीं। मामा ये फर्स्ट टाइम खा रही हैं और जो है ना मामा को पसंद तो आया है ना मामा, पसंद आया तो मैं जस्ट फॉर टेस्ट खाएंगे मजे मजे की। तुम भी खाओ ना। जी तो मैं खा रही हूँ, मैं भी फिले फ्राइज खा रही हूँ। इतनी भी नहीं हार्ड हो जाती जितना डराया हुआ। शौक से खाओ। तो मुझे तो ये फ्राइज बिल्कुल भी पसंद नहीं आया क्योंकि इतने सूखे हुए, इतने सूखे हुए। मम्मा जरा ये कम्प्लेन करें, मुझे तो नहीं कम्प्लेन, मैंने कहा कम्प्लेन करें, ये देखे मुझसे तो खाए नहीं जा रहा, फ्राइज नहीं अच्छे, कम्प्लेन करें। हेलो अस्सलाम वालेकुम, आज देखे अभी अभी हमने डिलीवरी यानी करवाई है, आगे भी हमने दो तीन दफा घर में करवाई। स्टफ चिकन मामा, स्टफ चिकन मंगवाया है अभी, तो आप देखिए जो साग फ्राइज है इस कदर हार्ड है कि वो खाए नहीं जा रहे हैं, वो कितने पुराने ऐसे लग रहे हैं कि जैसे पता नहीं कब के वो, इतने हार्ड है। ये देखिए ये कोई खाने वाले हैं, बहुत हार्ड है। यानी कि अगर आप घर में डिलीवरी अच्छी देंगे तो दोबारा कस्टमर और मंगवाएगा ना, वहाँ तो आपने दे ही देना होता है क्योंकि वो तो ऑन द स्पॉट होता है, वो तो नहीं किसी को पसंद आएगा, वो तो वही वापस कर देगा। तो तब है ना कि अगर आप घर में अच्छी डिलीवरी दे तो, बहुत मुझे यार अफसोस पर दो दफा मंगवाया खाने वाले ही नहीं है। आइंदा के लिए को आइंदा यार आप है, चले ठीक है। क्या कहते हैं मैम? हाँ जी कोई नहीं, हाँ मैं अभी कंप्लेन करता हूँ, मैं उनको कहता हूँ तो वो तो अभी बनाए हुए हैं, ताजे फ्रेश बनाए हैं। मैं कह फ्रेश की हालत ये देखें, फ्रेश कहाँ से, ये फ्रेश लग रहे हैं, फ्रेश ही नहीं रहे हैं। तो ये तो सही था, ये मैं खा रही हूँ लेकिन ये है कि कंप्लेन भी हो गई है। अब देखे है, उनको तो पता चल ही गया कि हम कस्टमर हैं उनके, ऐसे तो नहीं ना करना चाहिए। खा रही हूं और ये देखें, ये देखें दो मतलब होते हैं, क्लोज करना मतलब बंद करो, खाना बंद करो। तो ये देखें जी, बड़ा मजा आ रहा है, स्टफ चिकन खा रही हूँ। ये देखें हेलो, गांव खराब कर दी, फ्राइज नहीं अच्छे। ओहो खाते खाते लाइट चली गई है मामा, ओए होए हम खाना खा रहे थे तो अचानक और लाइट चली गई। ये देखें जी 9 बजे का टाइम है और खाना खा रहे थे और लाइट चली गई। तो एनीवे कोई बात नहीं, अब क्या करते हैं, रेस्टोरेंट वालों ने धोखा किया। अब एक लाइट देखिए, लाइट आ चुकी है, लाइट गई थी 5 मिनट के लिए, लाइट आ गई और हमने तीदे में खाना भी खा लिया है, पर क्या करें, मैंने किसी को नहीं पी रहा, नहीं पी, ये सिर्फ डेकोरेशन रखी गई थी। जी बिल्कुल, तो थैंक यू सो मच, आपने हमारी वीडियो को देखा। हम अपने व्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं। अब मेरा तो खाना रात को दाल चावल। हाँ जी दाल चावल, बिल्कुल भी थोड़ी देर तक मैं दाल चावल दूंगी क्योंकि बस ये जस्ट टेस्ट किया है। मेरी तरफ से खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। ये मेरा बच गया है, अल्लाह हाफिज़।